हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है स्टेटिकल ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट का, जो 18/12/2021 को लगा था। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? तो अमलानंद घोष रहा है इनका संबंध, बी बी लाल इनका भी रहा है, बी के थापर इनका भी रहा है, लेकिन एन के पूरी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट, पूरा स्थलों से संबंधित निम्नांकित युग्म पर ध्यान दे तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनना है। तो पुरातात्विक स्थल है और जिला है, तो बालाथर उदयपुर में सही है पहला, और सुनहरी झुंझुनू ये भी सही है, बागोर राजसंबंध गलत है, बागोर भीलवाड़ा में, और गिलुंड भीलवाड़ा गलत है, ये भी ये राजसंबंध में गिलुंड। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी तो सही है तथा सी और डी गलत है। अगला देखते हैं, महाराणा कुंभ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं जो नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है? तो इनकी पुस्तकें सुधा प्रबंधी और चंडी शतक थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल ए व बी। नेक्स्ट, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किसके शासन किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के। नेक्स्ट, प्रजा सेवक समाज पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से एक थे, सही है पहला कथन। बी है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो सही कूट का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी है और संबंधित देश की रियासत है। तो रघुवर दयाल गोयल एक इनका बीकानेर संबंध था, सही है। बाबा हरिश्चंद्र का जयपुर से, सही है। मथुरादास माथुर जोधपुर, सही है। गोपीलाल यादव अलवर, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी परंपरा पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मलयगिरी यानी मलयगिरी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, शरीर के अंग है और गहने हैं। तो कान, ये कान में पहना जाता है अंगोत्या, गले में मांदला, उंगलियों में दामना और कमर पे कंदोरा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाक अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बाला किला अलवर में। नेक्स्ट, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आमेर का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। समुदाय है और लोक नृत्य है। तो ग्रासिया इसका लोक नृत्य है मांदल। तो ए का 4, गुजर का चरी नृत्य, बी का 3, बेल का गौरी नृत्य, सी का 1, सहरिया का सांग नृत्य, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बरनाला अभिलेख। नेक्स्ट, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मल्लिनाथ जी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, साहित्यिक रचना है और लेखक है? तो मेघमाल इनकी है, ये इनकी है सुमेर सिंह शेखावत, 1 का 2, और राधा इनकी है सत्यप्रकाश जोशी की, माला के माण के ये तारा प्रकाश जोशी,
और सेनानी मेघराज मुकुल इनकी है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए का दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन। नेक्स्ट, विंध्यन कागार किससे निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलुआ पत्थरों से। नेक्स्ट, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान डैश की सीमा वर्षा रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं बहती है, यानी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, सोडरा। अगला, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, 2019 में। नेक्स्ट, राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा अंगूचा अंगूचा की खाने जिस जिले में स्थित है वह है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, राजस्थान में मोरिजा नीमला लोहे अयस्क भंडार किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान का रामसागर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, धौलपुर में। नेक्स्ट, सराया तिब्रसर रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ऊंट से। नेक्स्ट, राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो सूखे की पुनरावृत्ति है, अतिचारण ये भी है, जनसंख्या का दबाव ये भी है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फुहारा सिंचाई का आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, नर्मदा नहर में। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा, चिमाता। नेक्स्ट, बटनेर किला किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जैसलमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया वह है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, कोटा में। नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया वह है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अलवर। राष्ट्रीय आय बराबर है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। नेक्स्ट, भारत के भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चालू खाते का निर्माण करता है या करते हैं? तो हो जाएगा, वस्तु व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों का शेष। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ए एवं सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया था? तो आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो मान लीजिए। नेक्स्ट, कौन सी एजेंसी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, 1 अगस्त 2016 से। एक माह से कम आयु के बच्चे की मृत्यु दर को कहते हैं? तो
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका नौ, जन्म नौ जन्म मरण दर। नेक्स्ट, सीएसओ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एनएसओसी की निगरानी में इसका, एनओसीसी की निगरानी में इसके अपना कार्य 1951 से आरंभ किया। गलत है, 1973 से यह संगठन कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, एक दो दोनों कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, पीसी मालनोविस। दूसरा पेपर देखते हैं, एआरएस प्री का है जो 27/10/2021 को लगा था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, रोमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, सही है। वे जसरापुर खेतरी गांव में पली बड़ी है, गलत है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर रहेगा इसका, यानी सत्य नहीं है। नेक्स्ट, बकनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नांकित में से किस संप्रदाय से था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादूपंथ से। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से संबंधित करना त्यौहार है और उत्सव यानी तिथि उनका माह है। तो बूंदी की कजली तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व ये भाद्रपद माह में और गणगौर चैत्र माह में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का एक, बी का दो, सी का दो हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन एक, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। तो ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो हो जाएगा अनेकत्ववाद और शायतवाद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक और चार। नेक्स्ट, राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो ओणो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तीन विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से संबंधित करना है तो हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो ए का तीन, लाहौर षड्यंत्र केस ये राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस अरविंद अरविंद घोष और अलीगढ़ षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद्र। तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ए का तीन, बी का चार, सी का एक, डी का दो। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किस एसोसिएशन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरिंगशिलम के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, 1919 में जमशेदजी टाटा के। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें और वो जेल गई। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रमा देवी। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तीर्थकार है और उनके उनके संज्ञान है। तो पार्श्वनाथ ये इनका सर्प। तो एक का तीन, आदिनाथ इनका है, वृषभ महावीर इनका है, सिंह और शांतिनाथ इनका है हिरण। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ए का तीन, बी का एक, सी का दो, डी का चार। नेक्स्ट, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कौरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अनियंत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई, उस मंदिर का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, तीजा मान जी का मंदिर। नेक्स्ट, मौर्य कालीन मूर्तियों में
मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, परखम से। नेक्स्ट, बार छोड़ो आंदोलन के दौरान अनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता को एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास से गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोहपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पुस्तक है और लेखक है? तो नेत्रंग स्वय प्रताप गलत है, पहला ही। नामदण सयाजी झूला सही है। रणमत चंद श्रीधर व्यास सही है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी सही सुमेलित नहीं है पहला, नेत्रंग। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विहरी ये चावल को बोलते हैं, और मुदगे ये मूंग को, यव जौ को, और यक्षु गन्ने को। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट, भैरना दुर्ग में स्थित बारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुप्त काल का। नेक्स्ट, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, गलत है। धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग विद्वान मिले हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्योति में आकृतियों उकेरी गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए सी और डी सही है। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलप्पा चेटियार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कराईकुड़ी में 1953 में। नेक्स्ट, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कान में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो गागरौन का युद्ध ये हुआ था 1509 में, और सारंगपुर का युद्ध 1537 में, गिरिसुमेल का 1544 में, साहिबा का युद्ध 1541 और 42 में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लोकवादी यंत्र है और उनके प्रख्यात कलाकार हैं, तो बपंग के ये हैं जाहुर खां, तो ए का 2। नड़के हैं कर्णाबील, तो बी का 3। अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी, सी का 4, और खड़ताल के हैं सदीक खां। तो ऑप्शन नंबर 1 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1।